वही अलवर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने पदभार संभाल लिया है। इंद्रजीत सिंह इससे पहले डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में कलेक्टर रह चुके हैं, राज्य और केंद्र सरकार से भी अवार्ड ले चुके हैं। पदभार संभालने के बाद हमारे संवाददाता अश्विनी यादव से उन्होंने एक खास बातचीत की। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस रखते हुए प्रत्येक काम में बेहतरी के प्रयास किए जाएंगे। अलवर में इंद्रजीत सिंह ने जिला कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और इनका ये कलेक्टर के रूप में तीसरा जिला है। हम जानना चाहते हैं सर कि आपकी अब जिले में क्या प्राथमिकताएं पूरी रहेंगी। देखिए, अलवर जिला जयपुर और दिल्ली के बिल्कुल मध्य में पड़ता है और आप सब जानते हैं कि ये NCR का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रोज़गार, बाकी सारी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ NCR के लिए होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अक्रू करना, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना, ये तो प्रयास रहता ही है। लेकिन इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से, चूँकि हम लोग हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हम लोग कई ज़िलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इसके लिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी ये ज़िला अति संवेदनशील है। तो आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था और गुड गवर्नेंस, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़िला प्रशासन का भरसक प्रयास रहेगा। सर, आप खुद सरकारी स्कूल में भी कुछ दिन पढ़े हैं, यहाँ आशुतोष सेठी सर जब कलेक्टर थे तो काफ़ी काम हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ स्कूल्स में, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो है वो पूरी तरह नहीं हो पाई, उसमें क्या आप काम करें? देखिए, मैंने सरकारी स्कूल में नहीं, सरकारी कॉलेज में 11वीं और 12वीं अपनी पूरी की है। जहाँ तक सरकारी स्कूलों की बात है, एजुकेशन की बात है, इससे पहले भी हमने एजुकेशन सेक्टर को बहुत नज़दीक से चित्तौड़ और डूंगरपुर में देखा है। क्वालिटी एजुकेशन जो है वो एक हिसाब से अंत रिज़ल्ट है। उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग, उससे पहले सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। हमको लेकर आप चर्चित रहे हैं, आपके नाम लगातार अवार्ड भी रहना, केवल राजस्थान सरकार के, केंद्र से भी आपको अवार्ड मिले हैं, तो अलवर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा फोकस करने का रहेगा? जैसे स्वच्छता में जो है अलवर बहुत पीछे है रैंकिंग में, ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ होने की गुंजाइश है। देखिए, आज तो केवल पहला दिन है मेरा ज़िले में, लेकिन राजस्थान सरकार के लिए काम करते हुए तकरीबन 8 साल मुझे होने को हैं। उस परिप्रेक्ष्य में मैं अलवर को जितना समझ पाया हूँ, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। दिल्ली के पास लगने की वजह से चाहे टूरिज़्म हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे यूथ अफेयर्स हो, इन सब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ट्रू सेंस में एक्सप्लॉयट करना वो ज़िला प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। सिंह का अलवर में कलेक्टर के रूप में पहला दिन और पहला घंटा है, लेकिन उनका साफ कहना है कि गुड गवर्नेंस, लो एंड ऑर्डर, एजुकेशन क्वालिटी के साथ ही नवाचार और बेहतरी की कोशिशें अलवर में रहेंगी। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।